हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खरोरा इकाई का दिवाली में समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन मुख्य अतिथि थे, जिनका स्वागत जोरदार आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ किया गया। इस मौके पर खरोरा केसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई के सभी व्यापारी सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी अपनी पूरी टीम के साथ खरोरा पहुंचे हुए थे, और हमारे मंडी के डायरेक्टर साहब, जिनका आत्मीय स्वागत खरोरा केसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर किया। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, पूरे प्रदेश में किसी भी तहसील में छत्तीसगढ़ चैम्बर का अगर ऑफिस खुला है। खरोरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्षेत्रीय इकाई कार्यालय खुलने के मौके पर अमर परिवानी ने सभी लोगों को बधाइयां दी। कार्यक्रम अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के शामिल होने पर उनका आत्मीय स्वागत के साथ ही उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री गिरीश देवांगन और श्री अमर परिवानी को फूलों के गुच्छों से लाद दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरोरा केसला इकाई के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने भी इस मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। खरोरा इकाई के व्यापारी भाइयों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मनसाओं का संबोधन किया और बताया कि मुख्यमंत्री सबको सुविधा देना चाहते हैं, न कि कोई तकलीफ। परेशान कर रहे थे तो वो नियम बदल दिया जाए। कई मंच में अमर भाई के सामने ही बात हुई, बहुत सारे में डिमांड रखे थे, मैं रातों रात जैसे भी बता दी कि तुरंत एक घंटा में निर्णय है। ओके, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे व्यापारी भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके मनसाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। किसान भी है, महिला भी है, बेरोजगार भी है, युवा साथी मन भी है, श्रमिक मन भी है, व्यापार भी है, उद्योग भी है। मतलब हम तो कई मंच में साझा करे हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरोरा तहसील के इकाई के जैन आज दीपावली मिलन समारोह रही से और मैं हमार मुख्य अतिथि ग्रुप के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर भाई आए हुए हैं और वो का पूरा टीम आए हुए और साथ ही खरोरा तहसील के पूरा हमार व्यापारी उद्योगपति साथी मन आए हैं। जैन प्रकार से ये दीपावली मिलन समारोह में जैन उत्साह दिखत है वो ये परिचायक है। चार साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हमार व्यापारी हमार उद्योगपति सभी खुश है, सभी संगठित होकर सरकार के हित में प्रदेश के हित में ही काम करे के अपन विचार ला बतावा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी जो बोलना चाहिए गर्व का विषय है, पूरे छत्तीसगढ़ में तहसील लेवल में अगर हम देखें तो ये पहला कार्यालय का आज चालू हुआ है यहाँ पे, जिसमें संजय भाई के नेतृत्व में पूरे चैम्बर की टीम खरोरा की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। प्लस हम लोगों ने यहाँ जो लोकल हम लोग मूवमेंट किए, जैसे प्रमोद अग्रवाल जी के राइस मिल में गए, वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। हम लोग खरोरा आने के पहले ऐसा सोचे नहीं थे कि इस प्रकार से होगा। फिर जो एक कॉटेज इंडस्ट्री बोलना चाहिए, जो यहाँ से पेटीकोट बन के लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा मिला। तीसरा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने खरोरा में हो रहे व्यापारिक विकास की बातें की और उन्होंने यहां के व्यापारियों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाला कल खरोरा का बहुत ही सुखद होगा। इस मौके पर उन्होंने खरोरा नगर के पत्रकारों का भी सम्मान किया। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इस कार्यक्रम में कई पत्रकार शामिल हो रहे हैं, जो एक अच्छा संदेश है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने खरोरा को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बताते हुए कहा कि यहां पर व्यापार की भारी संभावनाएं हैं
और वे व्यापारी भाइयों का हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। दिवाली मिलन के इस अवसर पर व्यापारी भाइयों से लिया गया अंशदान का 50% हिस्सा केंद्र से इकाई को भी दिया गया, जिस पर इकाई के व्यापारी भाइयों ने खुशी जाहिर की और चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि हम हर तरह से इस अंशदान का सदुपयोग करने के लिए बाध्य हैं। और हमारे मंडी के डायरेक्टर साहब भी हैं, तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। आपको मैं कार्यक्रम अवसर पर मुझे बताते अमर परवानी ने अपने अनुभव साझा किए और व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया और हर तरह से इसके लिए हमारे सहयोग के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भारी संख्या में युवा व्यापारियों ने अमर परवानी जी के साथ फोटो खिंचवाई और उन्हें नगर आगमन पर आभार व्यक्त किया। अंत में रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।